सो यो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 500 के अंदर अगर आप ईयरफोन्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही बैठने वाली है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 2 ईयरफोन्स अंडर 500। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 2 सबसे बेस्ट ईयरफोन्स का कंपेरिजन इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। और यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जो ब्रांड की ईयरफोन्स मैंने चूज़ की है, सेलेक्ट की है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, मोस्ट रेटेड है और बहुत ही ज़्यादा ये इनके रेट अच्छे नेट पर दिए गए हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इन दोनों ईयरफोन्स को लगभग 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इनका जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे पहली जो ईयरफोन है वो बोट 225 है और दूसरी JBL CH50HI है। दोनों ही काफ़ी इनके जो ब्रांड है काफ़ी आप को पता होंगे, काफ़ी फेमस ब्रांड है, इंटरनेशनली फेमस ब्रांड है। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का जो दोनों का डिज़ाइन है दोस्तों बहुत ही कमाल का है, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, प्रीमियम लुक देने वाला डिज़ाइन है। अगर मैं बात करूँ JBL की CH50HI की, दोस्तों इनका जो प्राइस है वो 5500 के अंदर ही रहता है और जो बोट का प्राइस है वो 500 के आसपास ही फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं अगर इनके साउंड का जो एल्गोरिदम है वो दोनों का ही बहुत अलग है और इनका जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं थोड़ा सा सिमिलर है। हार्डवेयर की बात करूँ अगर फीचर्स जो हैं इनके सिमिलर हैं बट इनके जो अंदर एल्गोरिदम है वो अलग करने की कोशिश की गई है। तो गाइस बात करेंगे इनमें के सबसे बेस्ट कौन सी है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ पहले JBL की ईयरफोन्स की, तो गाइस यहाँ पर JBL की तरफ से जो ये आती है ईयरफोन, ये इसमें दोस्तों इसका डिज़ाइन बिल्कुल बोट की तरह ही है बट इसके अंदर दोस्तों आपको एक फ्लैट केबल देखने को नहीं मिलती है, फ्लैट केबल नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको जो आपको बड्स देखने को मिलते हैं ईयरबड, वो आपको टेढ़े मिलते हैं, मतलब आपके कानों के अंदर आपके ईयर होल के अंदर बिल्कुल सही से एडजस्ट हो जाने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आप रनिंग के दौरान या फिर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गिरेंगे नहीं, आपके अंदर बिल्कुल फिट रहेंगे, आपके कानों से गिरने वाले नहीं हैं। वही अगर मैं बात करूँ बोट की जो ईयरफोन से, ये थोड़े से हैवी हैं बिकॉज इसके अंदर ये जो बोट का डिज़ाइन किया गया है ये पूरी तरह से मेटल है। इसका जो आपका ईयरबड है इसका वो पूरी तरह से मेटल का है जिससे इसके अंदर जो बास है दोस्तों यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट बास के लिए अगर बास लाइक करते हैं ईयरफोन्स के अंदर तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं इस ईयरफोन को बोलना चाहूँगा बिकॉज इसके अंदर बास और ट्रेबल बहुत ही अच्छे से मैनेज और बैलेंस किया गया है। बोट के अंदर मैंने इसी बात का कमी इसी बात की कि ये थोड़ी सी हैवी है देन JBL से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैरिएबल कौन से ज़्यादा है, यहाँ पर कैरिएबल जैसे पता है आपको जो हल्की है जो कि प्लास्टिक मेड है JBL की, बट इसके अंदर JBL में दोस्तों बास के अगर मैं बात करूँ ट्रिपल बैलेंस्ड है लेकिन ये MI की जो बैंड है उनसे थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ये JBL की है, इनका एल्गोरिदम थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल के मामले में ट्रिपल भी आपको बैलेंस मिलेगा, सही देखने को मिलेगा और बास भी देखने को सही मिलेगा। इन दोनों में आपको बटन जो है ईयरफोन्स के अंदर दिख जाते हैं, चाहे वो कट करने का हो चाहे वो एक ही बटन है, सिंगल बटन है, बट वो मल्टीपल यूज़ करने के लिए बनाया गया है, मल्टीपल फंक्शनेबल है, चाहे वो गूगल को एक्टिवेट करने के लिए हो आपके असिस्टेंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों ही ईयरफोन के साथ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड भी देखने को मिलते हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग ईयर होल के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का ही दोस्तों डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद आए खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बात करूँ बास और ट्रेबल के मामले में, दोस्तों यहाँ पर 100% जो विनर है वो बोट 225 है, बट इसका जो प्राइस है थोड़ा सा 500 से ऊपर चलता है। बट अगर आप बेहतर और लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर दोनों के अंदर आपको टी एंगल के आपको 3.5 mm जेक देखने को मिलता है, जेक नहीं केबल देखने क्या बोलते हैं उसको जो भी है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको लेकिन एक खासियत इसके अंदर ये है बोट के अंदर कि इसके अंदर फ्लैट केबल देखने को मिलती है। फ्लैट केबल से फ़ायदा है कि आपका जो पज़ल बन जाता है केबल्स का वो देखने को नहीं मिलेगा और आप जब भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैरी जो है, अगर आपको कैरी करना है, आपको रनिंग के लिए यूज़ करना है, बस आपको नॉर्मली आपको बस यूज़ करना है फॉर जस्ट मूवी देखने के लिए या फिर आपको ट्रैवल करने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो आपको बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप JBL के साथ जाइए बिकॉज JBL जो है बिल्कुल फिट आपके कानों में बैठ जाएगी और आप गिरेगी नहीं। लेकिन अगर मैं बोट की बात करूँ, ये थोड़ा सा हैवी है जिस वजह से आपको थोड़ा सा ये कान में हो सकता है फिट ना आए, अगर फिट आए तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप गिर जाए, इसलिए आप इसके साथ एक एडिशनल कानों में फ़िट करने के लिए ईयर प्लग दिया गया है जिससे आप उसको लगा के आप
कानों में फिट हो जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही था वीडियो में, अगर आपको पसंद है बास और ट्रेबल, बास थोड़ा एक्स्ट्रा पसंद है तो आप ज़रूर लीजिए। बोट को आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, बोट 225, और बिल्कुल मैं इसको आपको बिल्कुल इसको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप रनिंग हैं, रनिंग के लिए इसको ले रहे हैं और जस्ट आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं जेबल की तरफ से। दोस्तों यही था वीडियो में, अगर आपको कोई सुझाव है, कोई कमेंट करना है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों का जो लाइक है मुझे अप्रिशिएट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइस मैं हूं सलमान, अभी आप देख सकते हैं भाई का मिस्टर जी चैनल। दोस्तों मिलता हूँ और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।